Dear students, today we will learn another poem from the poetry portion. That is last lesson of the afternoon. This is the name of the poem: Last Lesson of the Afternoon. This poem has been written by D.H. Lawrence. In this poem, the poet D.H. Lawrence talks about himself as a teacher who teaches the disinterested students in the class who are not totally interested in their studies. The poem depicts the thanklessness of a teacher towards students. Thanklessness means the students are not motivated towards the teacher. The students are not able to please his teacher. The teacher DH Lawrence is not satisfied with his students.

तो वो अपने आप को एक आ, अपने अपने आप आप को को करता है, बोरिंग महसूस करता है बिकॉज वो जो लेसन स्टूडेंट को पढ़ाता है उसकी तरफ वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है सो ऑब्वियसली दिस विल मेक द टीचर टायर्ड एंड बोर्ड इन द्लास दीचर एफर्ट्स इन टू मोटिवेट स्टूडेंट्स बट ऑल इन मैन टीचर बहुत कोशिश करता है अपने बच्चों को मोटिवेट करने में लेकिन सारा बेकार साबित होता है ऑल इन मेन बेकार साबित होता है वाई बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टूर्ड्स देयर लेसनज दे आर नॉट इंट्रस्ट टूर्ड्स द टीचर दे डोंट वॉन्ट टू लर्न फ्राम द टीचर द टीचर कंपेयर्स हिज स्टूडेंट्स टू लालस हंटिंग डागस और अनकंट्रोलेबल टीचर स्टूडेंट्स को हंटिंग डॉग्स के साथ कंपेयर करता है जैसे सोसाइटी में लोग उनको कंट्रोल नहीं कर पाते ऐसे स्ट्रे डॉग्स को हंटिंग डॉग्स को इस तरह जिन स्टूडेंट्स को डी एच लॉरेंस पढ़ाता है उनको भी इन डॉग्स के साथ कंपेयर करता है कि इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है दे फील द स्टडीज एज अ बर्डन ऑन सो द टीचर हैज़ गिवन इज एफर्ट टू गिव देम नॉलेज एज अनविलिंग इसलिए टीचर डी एच लॉरेंस ने फैसला कर किया है उनको पढ़ाने का क्योंकि वो अनविलिंग है वो विलिंग नहीं है पढ़ने में वो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में फर्दर मोर द पॉइट फील इज इंटॉलरेबल टू चेक देयर लार्ज नंबर ऑफ नोट बुक आर सिक्सटीन नंबर उसके अलावा जो पॉइट डी एच लॉरेंस है वो इनटॉलरेबल फीस महसूस करता है कि इतने सारे नोटबुक्स को चेक करना क्योंकि जो मेन चीज है पढ़ाना उसमें वो डिसइंटरेस्टेड है तो नोट बुक्स को चेक करने में क्या फ़ायदा द टीचर डिसाइड दैट चर नोट बुकस एंड टीचिंग देम इज़ अ यूजलेस पर्पस विध नो रिज़ल्ट यह एक बेकार काम है जिसका कोई रिजल्ट नतीजा निकलने वाला नहीं है इन द मिड स्टेंडाज ऑफ द द टीचर बिल्डस होप टू टीच द डिसंट्रस्ट स्टूडेंट्स फिर टीचर अपनी जगह फैसला करता है अपने अंदर एक उम्मीद पैदा करता है कि मैं ऐसे डिसइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ाओ जिनको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है यू वांटस टू रिमूव देयर बोर्ड वो उनकी उनका बोर्डम ख़त्म करना चाहता है एंड गिव देम द बेस्ट नॉलेज और उनको अच्छा अच्छी नॉलेज देना चाहता है लेकिन ही वांटस टू डाइवर्ट देयर अटेंशन टू स्टडीज़ वो उनका अटेंशन अपना उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लाना चाह रहा है बट लेटर ऑन ही चेंज हिज़ माइंड लेकिन आखिर का वह अपने माइंड को चेंज करता है एंड फील्स महसूस करता है डेट इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस ये एक प्रोसेस एक वेस्टफुल प्रोसेस है बिकॉज ही इज़ आलरेडी फेडअप विद द डिसंटरेस्ट स्टूडेंटस क्योंकि वो ऑलरेडी उनको टीचर को उनके बारे में पता है तो मैंने पहले भी बहुत कोशिश की लेकिन ऑल इन वेन ऐसे डिस इंटरेस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं एंड डज़ नाट वॉन्ट टू वेस्ट हिज एनर्जी वो अपनी ताकत को खर्च नहीं करना चाहता है अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं करना चाहता है बट ही इज़ अवेयर ऑफ द फैमिली के साथ साथ उसको ये भी पता है द डिस्पाइट हिज अनविलिंगनेस टू स्टे इन द्स ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ देम एंड टू कंट्रोल दैम लेकिन उसको ये भी पता है कि मुझे क्लास में ठहरना है उनको कंट्रोल करना है उनका केयर रखना है इन द लास्ट दॉ डी एच लॉरेंस सेज द टीचर डिसाइडस नॉट टू वेस्ट हिज एनर्जी टू अटेंड इमपोसिबल थिंगस वो कहता है कि मैं अपने अनर्जी को ज़ायर नहीं करना चाहता ऐसे काम के लिए जो इमपासिबल जो नाम मुमकिन है एंड द पॉइंट फील इज़ इट बेटर टू स्ट इन द्स वो इसमें बेहतरी समझता कि मैं क्लास में बैठूँ एंड वेट फॉर द बेल टू रैंक सो दिस वाज आल अबाउट दिस पॉयम इन विच द पॉइंट डी एच लारेंस हु टाक टीचर अपने बारे में बात करता अपनी पढ़ाई के बारे में Or students' who are totally disinterested towards the student, towards the studies, towards the lessons, towards the teaching learning process, they are not motivated towards the studies. So this was all about this lesson. That is why he has uh, kept the name last lesson of the afternoon to this poem. So hope dear students you must understand this poem. alaikum. Goodbye.